परेशानी। Yeah, so I have come for this initiative called Moha Stand on Your Feet, जहाँ पर basically this was started long back where they wanted to grant 10 lakh rupees to a woman who has a startup business idea or who has a great proposal towards a business that she wants to, you know, start with. So I feel very privileged to be a part of Moha Stand on Your Feet today. मेरे आइडियाज़ आई मीन मेरे लिए तो वो 10 के 10 विनर्स ही है, बिकॉज जहाँ उन्होंने सोचना शुरू किया है कि हमें वो घर से निकल कर कुछ अलग करना है आज की तारीख में, वो ही अपने आप में मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक विनर है। आज सोचा है, कल ज़रूर अचीव होगा, बस ये पैशन रहे और एक गोल रहे, उसके लिए तरफ बढ़ते जाइए, काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, आप ज़रूर पहुँचेंगे वहाँ तक। सी, एक तो पहले कभी अपने आप को कम मत समझो। मैंने जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं बहुत यंग थी, मैं 20 साल की थी शायद, हाँ 19-20 साल की। मुझे दुनिया क्या होती है, लोग क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आया था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये भी नहीं पता चला था कि कहाँ तक जाऊँगी या क्या करूँगी। अकाउंट में 15,000 रुपये लेके जब मैं बॉम्बे आई थी, तब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। बस मुझे ये था कि आई हैव टू डू समथिंग, I have to stand on my own feet. और वो उसके साथ साथ of course my mother really backed me up. She was like a strong pillar. She was always a housewife, but she always dreamt के you know मेरी बेटी को मुझे यहाँ तक पहुँचाना है. तो somewhere or the other आज मैं उनका सपना भी जीती हूँ, but कहीं ना कहीं उसके उसके पीछे मेरा बहुत सारा मेहनत भी था, पैशन था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और जब मुझे पहला शो संजय लीला भंसाली का सरस्वती चंद्र मिला, उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए एक यू नो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल दैट यू हैव टू अचीव। बहुत अच्छा फील होता है, आप इतनी मेहनत करते हो, जब आप इतना 12 घंटे सेट पर काम करते हो, आप जब आपके काम को इतना सराहा जाता है तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। यू वर्क हार्ड फॉर इट, फॉर ऑल द अप्रिसिएशन एंड फॉर ऑल द लव दैट यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस। सो बहुत अच्छा लगता है जब लोग, मैं कहीं जाती हूँ और मुझे धरा के नाम से पुकारा जाता है, हमें कहते हैं कि हमें पंड्या स्टोर आपका सीरियल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सोचना गलत है, सोचो, सपने देखो, बट वो सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट, एक एक स्टेप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत एक स्टेप ले लोगे और यू आर गोना अचीव एवरीथिंग। इट टुक मी ऑलमोस्ट 12 इयर्स टू रीच वेयर आई एम टुडे, एंड आई स्टिल हैव बिगर गोल्स इन लाइफ एंड आई वॉन्ट टू रीच, यू नो। सो मुझे नहीं पता कि कब कहाँ, पर वो कहते हैं ना, मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी काम करती है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बी वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल्स इन लाइफ, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव इट। साथ ही शाइनी, हमने देखा है कि शो के
धरा एक ऐसा किरदार है जो जिसने घर भी संभाला है, घर के हर एक मेंबर को भी संभाला है और पंड्या स्टोर को भी संभाला है। जब हमारी दुकान गिरवी पड़ी थी तब उसने भी वहाँ पर पंड्या स्टोर की दुकान के सामने सुमन गृह उद्योग खोला था, जहाँ पे एक छोटी सी लारी चलाती है वो लड़की, और कैसे वो लारी से पैसे कमाकर अपने पंड्या स्टोर का लोन चुकाती है, अपना कर्जा चुकाती है और पंड्या स्टोर वापस से हमारा हो जाता है। सो सी, धरा वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट हर गोल्स इन लाइफ, जहाँ पे उसने घर और दुकान और घर के हर एक मेंबर को संभाला है। सो देखो यार, वी आर मल्टी टास्किंग विमेन, आर मल्टी टास्किंग। हम जो सोच ले ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते, तो सोच हमेशा ऊँची। गेम तो मतलब सी, वी हैव कम हियर टू स्पीक अबाउट मोहा स्टैंड ऑन योर फीट, बट मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आई रियली लाइक निमृत, मुझे एक्चुअली प्रियंका भी बहुत अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, बट आई सी निमृत एज अ विनर बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिबल एंड वेरी इंटेलिजेंट, शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन टू मी। मेरी क्रिसमस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ कोर्स ये साल ख़त्म हो रहा है बट नया साल शुरू हो रहा है, सो नए साल के साथ आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, और डोंट क्रश योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को सपने देखिए, उड़ान भरिए, एंड वन डे डेफिनेटली ऑल विल रिग्रेट। लास्टली, नया साल है तो क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आपका देखने मिलेगा, कुछ सरप्राइज? अभी तो फिलहाल आई एम वेरी बिजी विद पंड्या स्टोर, अभी टाइम कहाँ मिलता है, ऊपर से यू नो I keep doing all these things also, which I feel very privileged to be a part of it. So, yeah, I think abhi to Pandya store ke alawa there are no plans. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. फिर से आप रिपीट करेंगे? हाँ जी, ओके। तो अगर अच्छा ठीक है, तो जिन लोगों को भी पता नहीं होगा कि मोहा एक स्किन केयर ब्रांड है, उन्होंने एंड उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट शुरू किया था बीच में, जिसपे उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी अच्छा बिजनेस प्लान लेकर आते हैं तो उनको जो टॉप 10 रहेंगे उनको सिलेक्ट करके आज चूज़ किया जाएगा, एंड हुएवर द विनर इज़, मतलब जिसका बिजनेस प्लान इज़ वेरी गुड, उन लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हम आज वही विटनेस करने आए हैं कि वो 10 लोग कौन हैं जो ऑल ओवर इंडिया से चूज़ किए गए हैं इस चीज़ के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड इवन टू सी कि वॉट आर द बिजनेस प्लान्स, मतलब ये कौन से बिजनेस प्लान्स लेकर आए हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड कीन टू वॉच टुडे इज़ द होल इवेंट। Well, stand on your feet, अगर like even if I describe it in overall, मैंने तो मुश्किलें शुरू में वैसे इतनी आई नहीं, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुश्किलें सिर्फ हम करियर को लेके एक पर्सपेक्टिव नहीं रहता है मुश्किलें, बिकॉज इवन इफ़ वी आर वुमेन तो हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं और ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। जैसे आई यूजुअली सी कि मैन दे डोंट हैव टू प्रूव देम सेल्फ अगेन एंड अगेन, बट वुमेन समवेयर वी नीड टू बी वेरी वर्सटाइल विथ एवरीथिंग अराउंड अस, देन एंड देन ओनली वी आर रिस्पेक्टेड। सो फॉर मी स्टैंडिंग ऑन द फीट इज़ दैट, कि वैन यू आर स्टैंडिंग इन द क्राउड पीपल शुड नॉट थिंक कि यार ये लड़की है तो ये नहीं कर पाएगी, नहीं। अगर आप लड़की हैं या लड़का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वट एवर योर टैलेंट इज़, यू शुड बी रिस्पेक्टेड। सो दैट इज़ वन स्ट्रॉन्ग थिंग विच आई फील दैट एवरी वन शुड हैव इन द कंट्री, सो दैट इज़ फॉर मी स्टैंडिंग ऑन द फीट। वेल, ये कहीं ना कहीं अभी भी करेक्ट है, एंड आई सी कि कहीं ना कहीं हम औरतें आप बोल सकते हैं जो जैसे हमारी मम्मी के जनरेशन्स की हो गई, या फिर उनके दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब उनके दिमाग में अभी भी रहता है कि नहीं ये लड़का है ये लड़की है, तो जो वो चीज़ रहती है। आपका क्वेश्चन ही भूल गई हूँ बीच में, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सॉरी। मैं आपको क्वेश्चन बीच में हाँ डिस्क्राइब करते करते ही भूल गई।
तो एनकरेज आई थिंक सो एनकरेजमेंट द बिगेस्ट थिंग कम्स फ्रॉम एजुकेशन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू वॉन्ट मी टू वेट टिल शी फिनिशेज माई ऑडियो विल बी क्लियर सो समवेयर एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक सो एजुकेशन विल टेक यू अहेड बिकॉज इट गिव्स यू विजडम एंड एवरी गर्ल जो बोलते हैं ना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ इट इज़ सो करेक्ट क्योंकि आपको जब एजुकेशन मिलती है यू अंडरस्टैंड कि सिस्टम कैसे काम करता है सो दैट इज़ द वन थिंग जो एवरी गर्ल इन द कंट्री नॉट जस्ट इंडिया लाइक एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड शुड बी गिवन इज एजुकेशन Well, not just to women, like I would like to give the message out to everyone that have a great, great Christmas, have a great new year. From last past 2 years, we wouldn't have been able to enjoy because of COVID reasons and everything. And humko, matlab mujhe aisa lagta hai, 2 saal ke baad, now we have the chance to really live that kind of new year and just have fun. So guys, just have fun and be safe. Thank you. Thank you. Thank you so much.